अपने अभिनय और कॉमेडी से लाखों दिलों में जगह बनाने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जगदीप ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 81 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। जगदीप ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था, उनमें से एक धर्मेंद्र भी थे। अभिनेता धर्मेंद्र ने जगदीप के साथ बॉलीवुड में कई शानदार फिल्मों में काम किया। जगदीप के निधन पर धर्मेंद्र भी भावुक हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जगदीप के निधन पर शोक व्यक्त किया। साल 2020 फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। इस साल कई दिग्गज कलाकार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 8 जुलाई को एक्टर कॉमेडियन जगदीप का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने फिल्म शोले में अपनी सुरमा भोपाली किरदार से पहचान बनाई थी। जगदीप के निधन पर बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने शोक जताया है। उन्होंने अपने ब्लॉग में जगदीप के बारे में लिखा, अमिताभ बच्चन ने जगदीप के साथ काम किए समय को याद करते हुए लिखा, बीती रात हमने एक और नगीना खो दिया। कॉमेडी में अद्भुत काबिलियत रखने वाले जगदीप गुजर गए। उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया था और मुझे उनके साथ कई फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला था। दर्शकों को उनकी दोनों फिल्मों शोले और शहंशाह का किरदार आज भी याद है। अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्होंने जगदीप के द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्मों में काम किया, लाखों लोग उन्हें प्यार करते थे, मेरी दुआएं और प्रार्थना उनके लिए। मशहूर एक्टर जगदीप का बुधवार की रात को निधन हुआ था। आज मझगांव के सिया कब्रिस्तान में सुपुत्र खाक किया गया। आज जगदीप के दोनों बेटे जावेद नावेद और पोते मिजान जाफरी और परिवार के अन्य सदस्यों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। आप लोगों ने मुझे बुश किया, शुक्रिया। ट्विटर पे किया कि फेसबुक के पे किया, सब जो था देखा सुना मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। या तो दीवाना हासिल या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता गाऊं। मैं मुस्कुराहट हूँ, जगदीप हूँ। आओ हंसते हंसते और जाओ हंसते हंसते। हमारा नाम भी सुरमा भोपाली, ये सही नहीं है, अब आप समझ लो।